कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमने सोचा कि इन सब टेंशन को दूर करने के लिए आपकी जिंदगी में थोड़ा हास्य लेकर आएं। और जब बात हास्य की हो रही हो तो आप सबके चेहरों पर हमारे प्रधानमंत्री जी से बढ़िया और कौन हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का एक अलग अंदाज आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें वह कुछ बढ़िया जोक सुनाते दे रहे हैं। आइए देखें उनका ये कॉमेडी अवतार। कि एक बार प्रथम ट्रेन आई रेलवे ट्रेन में, हाँ, तो ऊपरी बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था। उसने देखा स्टेशन आया तो उसने खिड़की में आवाज लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया। तो उसने कहा चार आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं। हम छोटे थे तो एक चुटकुला सुना करते थे। कोई एक पुलिस वाले के घर में चोर आ गए, वो सोया हुआ था, पत्नी जाग गई, देख रही है कि चोर चोरी कर रहे हैं, माल उठा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। तो उस पत्नी को लगा तो सब चला जाएगा, तो उसने उसको उठाया अपने पति को। अरे बोले चोर आए। बोले अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। ऐसा होता है क्या? साथियों, कुछ साल पहले एक मंच पर मैंने दो मित्रों की कहानी सुनाई थी। एक बार ये दो दोस्त जंगल में टहलने के लिए चले गए, लेकिन बड़ा घना जंगल था, भयानक पशु थे, तो अपने साथ सुरक्षा का भी सामान रखे हुए थे, बढ़िया क्वालिटी की पिस्तौल बंदूक के साथ थी। और फिर उनको नजर नहीं आ रहा तो कहीं रुक करके गाड़ी से उतर करके सोचा कि चलो थोड़ा टहल लें, तो टहलने के लिए निकल पड़े। और जब टहलने के लिए निकल पड़े तो अचानक एक शहर आया। अब सामान तो गाड़ी में पड़ा था, बंदूक तो गाड़ी में पड़ी थी, वहीं छोड़ आए, तो ये टहल रहे थे, शेर आ गया। लेकिन अब इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करें? भागे तो भागे, जाए कहाँ? तो उसमें से एक जो था उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया, देख मेरे पास है। मस्त जोक मारा। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और फिर मेरे पे ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में, तो मैं पैदल चला जा रहा था। मुझे पुणे में RSS दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जाना था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा और उसने मेरा ध्यान गया। मैं कहीं ऐसे कैसे चला रहा है वो स्लोली मेरी स्पीड से। मैं कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूं। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूं। ये हंस रहे अलकट हंस। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी,
उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक फार्मूला पेश किया है कि नाले की गैस से भी अगर चाय बना सकते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हुए हम नाले के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गैस कैसे बनती है, निकलती है और चाय कैसे बनती है। अब आपके सामने हम गैस के नाले के अंदर इसकी तगारी उनके फार्मूले के अनुसार तगारी और नली लगा कर अंदर डाल रहे हैं। इंतजार कर रहे, माचिस तैयार है, लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई गैस बाहर नहीं आ रही, नहीं जल रही। क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री आज के युवाओं को ऐसी ही जानकारियां देंगे कि एक मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा आज कार मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा सर मैं उतर जाऊंगा क्योंकि ये कार है सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। ये भी तरीका है रिलैक्स होने का। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। ये जो पूरा मैंने विस्तार से प्रेम वर्षा की कथा बताई है ये मीडिया के लोग आने वाले 10 दिन तक इसको बताने की हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या आप इन बातों को सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन पर हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचा सकते हो? तो देखा आपने, मोदी जी सिर्फ भाषण देना ही नहीं बल्कि मजाक करना भी जानते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मोदी जी का ये मजाकिया अंदाज। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।